हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कानून नामा। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में है। जनरल एक्सेप्शंस जो कि सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 तक पीपीसी के अंडर जो मौजूद है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स पढ़ेंगे, जुडिशल एक्ट्स, उसके बाद एक्ट्स जस्टिफाइड बाय लॉ, एक्सीडेंट्स, नेसेसरी, इन्फेंसी, चाइल्ड्स इमेच्योरिटी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट, कंपल्जन एंड लास्टली प्राइवेट डिफेंस। हम थोरली इन चैप्टर्स को वन बाय इन सेक्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे और इसके साथ प्रोसीजर इफ़ पॉसिबल एन एग्जांपल इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड व्हिच इज अबाउट डेफिनेशन। जनरल एक्सेप्शंस इन पाकिस्तान पिनल कोड, जनरल एक्सेप्शन रेफर्स टू लीगल प्रोविजंस, वो तमाम लीगल प्रोविजंस हैं जो के आउटलाइन सिचुएशंस वे सर्टन एक्शन वुड नॉट बी कंसिडर क्रिमिनल ऑफेंसेस। इसमें सर्टन एक्शन सरकमस्टांसिस जो एक्शंस है वो सर्टन सरकमस्टांसिस में क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं कंसिडर किए जाएंगे, इवन दो दे माइट टिपिकली बी कंसिडर। सो टिपिकली जो है ना वो उसको हम कंसिडर करते हैं कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन इन जनरल एक्सेप्शंस की वजह से वो जो ऑफेंस है, वो जो एक्ट है, वो क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा। दीज एक्सेप्शन आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल आर नॉट हेल्ड क्रिमिनली लाइबल। क्यों दिए गए हैं? ताकि इंडिविजुअल वो जो इन स्पेसिफिक सरकमस्टांसिस में क्रिमिनली लाइबल ना हो और उस पर ये जो ऑफेंस है जो क्रिमिनल जो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मेंशन है उस पर लागू ना हो। जनरल एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ तक है? 76 टू 106 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। सो लेट्स थोरली बिगन आवर लेक्चर बाय स्टेटिंग दिस सेक्शन 76। सेक्शन 76 किस बारे में है? एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यानी वो तमाम एक्ट जो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो करे और वो उसको ये लगे कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, नो ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा इफ़ एक्ट डन बाय ए पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट या नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो करे, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी वो अपने आप को कंसिडर करे कि वो बाउंड बाय लॉ है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? फायरिंग ऑफ अ सोल्जर ऑन द मॉब ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर, यानी उसके सुपीरियर के ऑर्डर पर फायर चला देना, फायर खोल देना मॉब पर। ही इज़ जनरली एक्सेप्टेड फ्रॉम हिज एक्ट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। जजेस के एक्ट जब वो जुडिशियल पावर अपने डिस्क्रिशन और अपने पावर यूज़ करके किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, जो उसके एक्ट तमाम एक्ट जो है ना वो क्या है, जुडिशली लाइबल, जो जुडिशल पावर एक्सरसाइज करते हैं वो लाइबल नहीं है। बट एक्ट दैट एक्ट मस्ट बी इन गुड फेथ में किया होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 78। एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की वजह से जो एक्ट किए जाएंगे वो क्या होगा, वो तमाम एक्ट भी इस एक्सेप्शन के अंडर आएंगे। द एक्ट इज वॉरंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर। एक्ट मस्ट भी, यहाँ भी मस्ट भी इन गुड फेथ में किए गए हो वो एक्ट्स। सेक्शन 79, व्हाट सेक्शन 79 सेज, एक्ट डन बाय अ पर्सन, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी वो अपने आप को जस्टिफाइड बाय लॉ समझे और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो एक्ट किए गए हों। तो ये सेक्शन किस क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस
डन बाय पर्सन इन मिस्टेक अफेक्ट, यानी मिस्टेक अफेक्ट की वजह से किए गए हों, गुड फेथ, गुड फेथ में किए गए हों, बिलीव्स हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, और आपको उसको ये लगे कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, तो वो तमाम एक्ट एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है अप्रिहेंशन ऑफ मर्डरर विच ए बिलीव्स कमिट एन ऑफेंस इनफेक्ट एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, यानी ए को ये लगता है, ए इज अ पर्सन, उसको ये लगता है कि वो उसने एक मर्डरर को पकड़ा है, लेकिन इनफेक्ट वो जो बंदा है वो क्या कर रहा था, अपने सेल्फ डिफेंस में उसने उसको मारा है। तो यहाँ पर क्या है, उस बंदे ने जो जिसने एक्ट किया है उसको ये जस्टिफाइड, अपने आप को ये जस्टिफाई करे कि उसको ये लगे कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, तो वो भी एग्जम्प्टेड है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। हमारा जो अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन 80 है। सेक्शन 80 सेज एक्सीडेंट्स इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो लॉफुल एक्ट करते हुए, ड्राइव करते हुए, तो तमाम एक्सीडेंट्स या किसी और उसमें उसका एक्ट जो है हुआ है, तो वो एक्ट क्या 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 होगा, उसको क्या कंसीडर करेंगे, वो क्रिमिनल लाइबल नहीं होगा। एक्ट डन एक्सीडेंटली विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट के बगैर जितने भी एक्ट किए गए हों वो क्या होगा, क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा। हमारा अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन 81 है। सेक्शन 81 सेज एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी वो तमाम एक्ट्स जो हार्म पहुंचा सकती है लेकिन वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट के साथ किए गए हों और अदर हार्म को बचाने के लिए किए गए हों। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज़ डन विद द नॉलेज दैट इट लाइकली कॉज हार्म, यानी उसको ये इल्म है कि इससे नुकसान हो सकती है, इस एक्ट की वजह से कोई नुकसान पहुँच सकती है, लेकिन वो एक्ट क्यों किया गया है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट है, क्रिमिनल इंटेंशन कोई नहीं है, डन इन गुड फेथ टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी दूसरे हार्म से बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए पुल्स डाउन हाउसेस इन ग्रेट फायर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी ए ने किसी घर को गिरा दिया, यानी उधर आग लगी थी उसने गिरा दिया ताकि मज़ीद घरों तक वो आग ना पहुँचे, सो इट इज़ ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 82, वो किस बारे में है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल से कम के जो बच्चे जितने भी करते हैं एक्सीडेंटली करें, जो इस तरह से करें, वो हम क्रिमिनली उसको लाइबल नहीं करते। नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन 83 है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउ 7 एंड अंडर 14 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, वो तमाम एक्ट जो अबाउ 7 हो, यानी बच्चा अगर अबाउ 7 हो, अंडर 14 हो, तो वो तमाम एक्ट भी क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा। वन हु इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड और जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इज एक्ट ड्यू टू इनसफिशेंट मेच्योरिटी की वजह से जो उसने एक्ट किया है वो अपने नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज को ना समझे जिस तरह की एक्ट उसने किया है, तो वो भी एग्जम्प्टेड है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। सेक्शन 84 विच इज़ अबाउट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जितने भी बंदे हैं, यानी आप कह लो पागल वगैरह या इस तरह के जो है, तो वो उनके तमाम जो एक्ट्स हैं वो भी क्रिमिनली लाइबल नहीं है। नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं होगा इफ़ एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बंदा जो है कोई एक्ट परफॉर्म करे, कोई एक्ट करे, वो क्रिमिनली आम सर्कमस्टांसिस में क्रिमिनल ऑफेंस होगा, लेकिन ड्यू टू हिज अनसाउंड माइंडनेस ही विल नॉट बी लीगल प्रोविजन। इफ़ द पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और ये भी ज़रूरी है कि वो उसको पता नहीं है कि वो उसने नेचर ऑफ द एक्ट उसने क्या परफॉर्म किया है,
For this, those who are in practice, those who are doing practice, तो उनके लिए प्रोसीजर इसमें ये है. द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ इनसेंट पर्सन, इनसेंट पर्सन के ट्रायल के लिए जितने भी प्रोसीजर है वो कहाँ लेट डाउन है, इन चैप्टर XXXIV, यानी इस चैप्टर में मैंशनड है ऑफ CRPC. यू मस्ट रीड आउट दिस चैप्टर इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. रेस्ट ऑफ द पीपल, उन बाकियों के लिए भी पढ़ना लाजमी है. सो यू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर मस्ट कंसल्ट दिस चैप्टर एज वेल. सेक्शन 85, एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, यानी वो तमाम एक्ट जो के किसी बंदे ने किया गया हो, इनकेपेबल ऑफ जजमेंट है, यानी वो जज नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि उसको इंटॉक्सिकेंट है, वो इंटॉक्सिकेशन, यानी उसे शराब दिया गया है या कोई नशे वाली चीज़ दी गई है, अगेंस्ट हिज विल, यानी उसके विल के बगैर दिया गया, तो वो क्या होगा? नथिंग इज़ एन ऑफेंस. ऑफेंस नहीं होगा डन बाई पर्सन, किसी बंदे ने किया हो, हु ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन अनएबल टू अप्रिहेंड द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी वो समझ नहीं पा रहा है नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, नेचर ऑफ एक्ट ही हैज़ परफॉर्म्ड, और मोर ओवर इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल, यानी उसके विल के बगैर इंटॉक्सिकेट उसे किया गया है, तो वो भी इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा. सेक्शन 86 ऑफ PPC, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड. अच्छा, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट, यानी ख़ास इंटेंट की ज़रूरत होना और नॉलेज होना ज़रूरी होना, कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड किया गया है, उसे इंटॉक्सिकेट किया गया है, तो उसके लिए क्या होगा? एक डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, यानी अनलेस एंड अनटिल उस वक्त तक नहीं होगा ऑफेंस जब तक ख़ास पर्टिकुलर इंटेंट, मेंस रिया इज एन इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट टू इन्फ्लिक्ट अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेंस रिया होना चाहिए. तो द सेम नॉलेज और इंटेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, यानी जो पर्सन, जिस बंदे को इंटॉक्सिकेट किया गया है उससे भी ये रिक्वायर्ड है कि वो भी, उसकी भी यही नॉलेज है, इंटेंट हो, इस इंटेंट से उसने किया हो. इट इज़ मैंडेटरी दैट द थिंग और इंटॉक्सिकेंट एडमिनिस्टर टू हिम विदाउट हिज विल, यानी अगेंस्ट हिज विल उसको जो है ना वो एडमिनिस्टर किया गया हो, उसे दिया गया हो. सच पर्सन विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी. सेक्शन 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कॉन्सेंट, यानी वो तमाम एक्ट जो कि नॉट इंटेंडेड यानी कॉज हार्म पहुँचाने के लिए, डेथ किया, ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने के लिए नहीं किया गया है, यानी इंटेंशन उसकी ये नहीं है, डन बाई कॉन्सेंट के साथ किया गया है, तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा. नो ऑफेंस इफ एक्ट मे कॉज हार्म, ठीक है जी, हार्म उसको इन्फ्लिक्ट करे, और इंटेंडेड बाय डूअर टू कॉज हार्म, यानी या डूअर ने इस इंटेंट से नहीं किया कि उसे कहाँ हार्म पहुँचाए, टू पर्सन अबव 18 ईयर्स, लेकिन लिमिट इसमें कितनी है एज की, 18 ईयर्स और अबव. कंसेंट मस्ट बी गिवन, कंसेंट दिया होना चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों में से कोई कंसेंट हो. इसमें एग्जांपल ये है कि ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट. ए और जेड ने जो है ना फॉर जस्ट फॉर फन दोनों को फेंस करना चाहा. द एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफ़र एनी हार्म, ठीक है, इसमें दोनों में है, दोनों के लिए हार्म पहुँच सकते हैं. विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फॉल प्ले, यानी फॉल प्ले के बगैर कॉज हुए हों, यानी फॉल प्ले अगर वो कोई करता है तो क्रिमिनल इंटेंट हो गया. एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड, यानी ए ने हर्ट किया जेड को, तो क्या होगा? ए कमिट्स नो ऑफेंस, उस वक्त कोई ऑफेंस नहीं होगा.
क्योंकि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट मौजूद है। सेक्शन 88, एक नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किए गए हो एक्ट हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, तो वो तमाम एक्ट भी क्या होगा, एक्सेप्शन के अंडर। नथिंग इज एन ऑफेंस डन इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म टू हिम, द पर्सन हैज़ गिवन कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर और टेक रिस्क। ये तमाम इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं, जल्दी जल्दी हम इन सेक्शंस को कवर अप करेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या, ऑपरेशन ऑफ सर्जन जिसमें कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मौजूद है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 89, एक डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाई और बाई कंसेंट ऑफ गार्डियन, गार्डियन कंसेंट के चाइल्ड के बेनिफिट के लिए जो एक्ट किए जाएंगे वो तमाम भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है जी, चाइल्ड की एज कितनी होनी चाहिए और 12 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, डन बाय द गार्डियन और बाय कंसेंट ऑफ हिम। इसमें भी इसमें एग्जांपल ऑपरेशन, इसमें एग्जांपल नो, देयर इज नो एग्जांपल इन दिस सेक्शन। सो सेक्शन 90 हमारे क्या है, हमारे पास क्या है, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। फियर और मिसकंसेप्शन में किए गए कंसेंट, नो कंसेंट है। कंसेंट नॉट गिवन इफ गिवन अंडर फियर और फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन, इंजरी और मिसकंसेप्शन के अंडर किए गए कंसेंट भी कंसेंट नहीं समझे जाएंगे। कंसेंट ऑफ इनसेंट पर्सन का कंसेंट, नो कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अनसाउंड और इंटॉक्सिकेशन, वो इंटॉक्सिकेशन में हो और अनसाउंड हो तो उसका कंसेंट भी कंसेंट नहीं किया जाएगा। कंसेंट ऑफ चाइल्ड का होगा नो कंसेंट ऑफ चाइल्ड अंडर ट्वेल्व का कंसेंट नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसने कंसेंट दिया है। और नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली हार्म कास्ट। ठीक है जी, एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म कॉज के बगैर वो इंडिपेंडेंटली के ऑफेंस हो, विच डज नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शन, वो जो पीछे जो हमने सब सेक्शन पढ़े हैं 87, 88 और 89 उसके अंडर फॉल नहीं करता, उसमें कंसेंट दिए गए हो तो नो कंसेंट होगा। कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस टू सेव द वुमेन, एग्जाम्पल इसमें एक कॉजिंग मिसकैरेज से मुराद वजह हमल करना, हमल का गिराना, अनलेस टू सेव द वुमेन लाइफ, वुमेन के लाइफ को बचाने के लिए किए गए हो तो वो एग्जम्प्टेड है, इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, ये अपने आप में कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, ऑफेंस होगा। सेक्शन 92, एक डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, यानी एक किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किए गए हो गुड फेथ में तो वो भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ हार्म इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हूज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ, गुड फेथ में किए गए हो अगर ये हार्म कॉज करेगा तो वो भी क्या एग्जम्प्टेड होगा, विदाउट द पर्सन कंसेंट के बगैर किए गए हों तो तब भी, नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव कंसेंट और इनकेपेबल टू गिव कंसेंट, यानी वो कंसेंट नहीं दे सकता या इनकेपेबल है, नो गार्डियन। ठीक है जी, तो इसमें प्रोवाइजो इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंडर एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज नॉट एक्सटेंडेड टू इंटेंशनल कॉजिंग हार्म, इंटेंशनल कॉजिंग हार्म के से लागू नहीं होता, अटेम्प्ट या डेथ कॉजिंग डेथ या अटेम्प्ट टू डेथ नॉट एक्सटेंडेड टू दैट डूइंग इट इट नोज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, ये तमाम इन चीज़ों पर लागू नहीं होते सेक्शन। सेक्शन 90 प्रोवाइजो, नेक्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो तो हमने इसमें डिटेल से पढ़ लिया, इसका प्रोवाइजो नाउ और नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 93 विच इज कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, गुड फेथ में किए गए कम्युनिकेशन अगर उसकी वजह से नुकसान होता है तो वो भी जो है ना ऑफेंस में नहीं आता, नो ऑफेंस इज इट मेड बाय द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सर्जन कम्युनिकेशन टू द पेशेंट। ठीक है जी, वो जितने भी कम्युनिकेशन उसे करता है मर्ज के बारे में बताता है, अगर उसकी वजह से डेथ होती है तो वो भी एग्जम्प्टेड होगा। सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स,
यानी अगर थ्रेट की वजह से कंपेल किया गया हो तो उसकी थ्रेट के अंडर अंडर थ्रेट अगर कोई एक्ट करता है तो वो भी एग्जम्प्टेड होगा। नथिंग इज ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। ठीक है जी, एक्सेप्शन इसमें क्या है, मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर थ्रेट देकर किसी का मर्डर करवाए तो वो एक्सेप्शन के अंडर नहीं आता। एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट जो कि पनिशेबल वो डेथ हो तो वो भी इस एक्सेप्शन के अंडर नहीं आती। अवर लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 95 ऑफ दिस चैप्टर विच इज एक्ट ऑफ कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है जी, एक्ट ऑफ कॉजिंग स्लाइट हार्म, द हार्म मस्ट बी स्लाइट इनफ दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस वुड कंप्लेन ऑफ सच। स्लाइट हार्म के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो भी ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। सो दैट्स ऑल आवर टुडेज लेक्चर विच इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन इज एंडेड हेयर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहे कि हम थोरोली पूरे जो है ना चैप्टर को पूरे जो PPC है जो जितने स्टेट्यूटरी लॉस है उन सबको थोरोली हम इस चैनल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, और शेयर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।